नमस्कार दोस्तों, आज हम अनामिकास किचन में आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए ये रेसिपी लेके आए हैं, लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 कर दीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। आज हम बनाएंगे टमाटर का सूप। ये देख लीजिए इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये 5 टमाटर बड़े धुल के रखे हैं, लहसुन के 4 कलियाँ छिली हुई, अदरक 2 टुकड़ा छिला हुआ, हींग और मिर्चा, धनिया पुदीना और हींग तड़के के लिए है। यह है नमक, भुना जीरा काला नमक, और जीरा को भून के और काला नमक मिक्स करके रखे हैं इसमें। और यह है जीरा, चीनी रिफाइंड, और ये है टमाटर सॉस। अब चलिए शुरू करते हैं। इस टमाटर को हम कट करते हैं थोड़ा छोटे छोटे टुकड़े में। देखिए मैं इसको कट करके रखे हुए हैं कुकर में। ये देखिए टमाटर कट करके हमने आधा ग्लास पानी डाल के इसमें रखे हैं। इसको इस तरह से बंद करके रख देंगे। लेकिन इसमें और चीज़ें डालना है वो देख लीजिए। टमाटर कट करके आधा गिलास पानी डाल के इसमें ये जो अदरक कटी हुई है टुकड़ा वो डाल देंगे, और ये लहसुन छिरी हुई है वो डाल देंगे, और मिर्च है 1 मिर्च, हम आधा मिर्च डाल रहे हैं। आप अगर तीखा खाते हो तो फुल मिर्च डालिए, अपने अंदाज से डालिए। और कुकर को हम बंद कर देंगे। कैसा ऑन करते हैं, ऑन करके कुकर को रख देते हैं। 2 सीटी आने तक कुकर को देख लेते हैं। हमने बॉयल करके रखा हुआ है, आप दिखा देते हैं आपको। 2 सीटी दिला के कुकर में हम ये रखे हैं, देख लीजिए बॉयल हो गया है 2 सीटी। अब ये थोड़ा ठंडा हो चुका है, इसको हम छान लेते हैं। आइए छान के दिखाते हैं। बड़े बड़े मुँह वाले जाली वाले छन्नी से इसका पल्प निकाल लेते हैं। आप चाहे तो इसमें मिक्सर में पीस के और तुरंत छान सकते हैं, या तो ऐसे भी कर देंगे तो मसल के तो तुरंत ही निकल जाता है इसका पल्प, गल जाता है टमाटर बिल्कुल। देखिए अभी पूरी अच्छी तरह से निकल जाता है, सिर्फ बीज बच जाता है उसका, और जो अदरक का टुकड़ा वगैरह होता है वही सब होता है, बचा रहता है। बाकी सारी चीज़ें अच्छी तरह से निकल जाती हैं। देखिए पूरा अच्छी तरह से निकल गया। अभी थोड़ा पतला दिख रहा है, ठंडा होगा तो बिल्कुल जम जाएगा गाढ़ा। अब गैस ऑन करते हैं, इसमें तेल डालेंगे 1 छोटी चम्मच तेल, बस जीरा डर जलने भर का डालिए अपने सामान के हिसाब से। अब ये बस जीरा जलने भर का तेल रहेगा, ऑयल ज़्यादा सूप में नहीं पड़ता। अब ये जीरा डाल दिए, देखिए हम तड़का हो, जीरा ब्राउन कलर का हो जाए तड़कने लगे तो इसमें हींग डाल देते हैं। हींग देखिए हो चुका है। अब इसमें जो हम टमाटो का पेस्ट रखे हैं वो इसमें डाल देंगे। ये देखिए धीरे से सावधानी से डालिए, छटकता है थोड़ा। अब इसको चलाते हुए देखिए कितना सुंदर है कलर आया हुआ है, कोई चीज़ इसमें नहीं पड़ा है, ना हल्दी ना कुछ और कलर के लिए, पर कलर कितना बेस्ट आया हुआ है। आजकल टमाटर तो बहुत सस्ते हो गए हैं सीजन में, आपको बच्चों को देना चाहिए। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, बच्चों के हेल्थ के लिए अच्छा है, बच्चों के ग्रोथ के लिए अच्छा है, बड़े भी इसको खा सकते हैं, विटामिन सी है, भूख भी बढ़ाता है। अब इसमें डालेंगे भुना जीरा काला नमक जो है इसको डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे चीनी 1 चम्मच, थोड़ा इसका टेस्ट बैलेंस आने के लिए, खट्टा मीठा टेस्ट आने के लिए। ऑप्शनल है, नहीं चाहते हैं आप तो नहीं भी डाल सकते हैं। अब इसमें नमक डाल दिए,
और ये है टमाटो सूप, थोड़ा सा डाले हैं इसको कि कलर इसका खूब निखर के आए। और जमता भी जल्दी है सूप डालने से, टमाटो सूप डालने से थोड़ा सा जमता भी जल्दी है ठंडा होने पे, इसलिए हमने डाल दिया है। बच्चों को बड़ों को सबको बहुत ही टेस्टी लगता है चटपटा। देखिए हम कटोरी में निकाल के आपको दिखा देते हैं, गरम इसको फूक फूक के पीजिए तो सूप बहुत ही टेस्टी लगता है, सबको पसंद आएगा। गेस्ट आता है कोई झटपट बना के देने के लिए सही है। देखिए पुदीना और धनिया से सजा देते हैं। अब इसको आप किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, चाहे खाने के पहले भी पीजिए, चाहे खाने के बाद पीजिए। कोई गेस्ट आया झटपट बना के दीजिए, आपको थैंक यू। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अगर आपको हमसे कोई और रेसिपी चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम ज़रूर ही ट्राई करेंगे।